ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। विधानसभा चुनाव के पूर्व छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के दो शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब हैं। चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दो नेता शिव नारायण द्विवेदी और पुष्पेंद्र परिहार ने कांग्रेस में प्रवेश किया है, जिन्हें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेसी गमछा पहनाकर दोनों नेताओं को पार्टी में प्रवेश दिलाया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं इस खास खबर पर। जी अनूप जी, बताइए, चुनाव करीब है और पार्टी बदलने का क्या कारण आपको लगता है, क्या हो सकता है? देखिए, अब जिस तरह से ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, आपको काफी झटका लगा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ धीरे धीरे चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे ही नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी हो गया। इसी सिलसिले में आज शिवराज द्विवेदी और पुष्पेंद्र सिंह परिहार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनको पीसीसी सीट ने अपने बस्तरवाड़ा निवास पर कांग्रेस का गमछा पहनाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा दी है। एक तरह से सिंह नारायण द्विवेदी कांग्रेस पार्टी के ही नेता माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में ही थे वो पहले से ही। सीरम घाटी का जब हादसा हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी के काफिले पे हमला हुआ था, उस टाइम पे सिंह नारायण द्विवेदी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा और पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब इनका बीजेपी से मोह भंग हो गया, मन भर गया, तो ये दिल्ली में आप पार्टी ज्वाइन कर लिए और अब आप पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पुष्पेंद्र परिहार के साथ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम चरण सिंह चन्नी रायपुर का दौरा किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, काफी जनसमूह इकट्ठा हुआ था, काफी नेता इकट्ठा हुए थे, तो माना जा रहा था कि और आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन आज इन दोनों नेताओं से घर वापसी करने से, कांग्रेस पे चले जाने से, हाँ, झटका मान सकते हैं। आम पार्टी थोड़ा सा राजनीतिक गलियारों में इसका चर्चा है ना तेजी से है कि आम पार्टी को झटका लगा। अब तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों नेताओं का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ ही होगा या फिर पार्टी बदलने की आशंका आपको लगती है फिर से? देखिए, ये अब इनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी में, है ना, क्या पद दिया जाता है, किस जिले की जिम्मेदारी दी जाती है, ये जिम्मेदारी मिलने के बाद ये कितने उपयोगी साबित होंगे आप कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी। लेकिन ये कहना अब हम ये मानते हैं कि श्री नारायण द्विवेदी अब फिर से चुनाव के पहले पार्टी बदलेंगे, अब ये कांग्रेस में ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कर आम जनता से मिलते हैं, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब ये नहीं है कि अब ये कांग्रेस का दामन छोड़ के फिर किसी पार्टी में चले जाएंगे। ये दोनों कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ काम करेंगे और बस्तर क्षेत्र के, देखिए, बस्तर क्षेत्र के ये दिग्गज नेताओं में से है, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे नेता है, ये बड़े नेता है और इनके आ जाने से कांग्रेस में, कांग्रेस को राजनीतिक गलियारे में तो है ही है, क्षेत्र में भी मजबूती मिलेगी। आवा और आम आदमी पार्टी की इस दल बदली पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, आप बताइए हमें। देखिए, आम आदमी पार्टी ये तो विधानसभा चुनाव आने के पहले नेताओं का आना जाना, एक दूसरे की पार्टी में शामिल होना चलता रहता है। इससे ये नहीं है कि अब आप पार्टी छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई है, उसका आप वर्चस्व तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो जगह पे, दिल्ली में, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक झटका हम छत्तीसगढ़ में जरूर मानेंगे, क्योंकि सिंह नारायण द्विवेदी बड़े नेताओं में से इनकी गिनती मानी जाती है, बड़े नेताओं में शामिल होते हैं ये छत्तीसगढ़ में। इससे झटका कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये चले गए हैं, तो आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं हो गई है। लेकिन थोड़ा तो राजनीतिक गलियारों में जो होता है कि भाई आप पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, उस पर चर्चा का विषय बन सकता है नेताओं के बीच। जी जी, बहुत धन्यवाद अनूप जी हमसे जुड़ने के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को
और बेल आइकन को दबाएं।